गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं बच्चों? तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे मैनेजेरियल रेमुनरेशन। एक मजेदार टॉपिक है और एक कॉन्सेप्चुअली टॉपिक है बच्चों, इसे समझने का काम कीजिएगा। अब जो मैनेजेरियल रेमुनरेशन हम लोग जो पढ़ेंगे, ये जो मैनेजेरियल रेमुनरेशन हम लोग पढ़ने का काम करेंगे, ये पढ़ेंगे कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत। ये जो हम लोग पढ़ने का काम करेंगे इसके अंतर्गत पढ़ेंगे कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत। तो आपके मन में ये बातें आ रही होगी, सर मैनेजरियल रेमुनरेशन कहा किसे जाता है? हाँ बच्चों, ये मुझे मालूम है कि आपके मन में ये बातें आ रही होंगी कि मैनेजेरियल रेमुनरेशन कहाँ किसे जाता है। उसे जानने से पहले इसे तोड़ के पढ़ते हैं कि रेमुनरेशन का मतलब क्या होता है, रेमुनरेशन कहाँ किसे जाता है। एक सिंपल सा तरीका में समझिएगा बच्चों, अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को सर्विस देता है, अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को क्या देता है, सर्विस देता है, तो इस सर्विस के बदले में जो वो मनी के रूप में उसे जो कुछ मिलता है, मनी के रूप में उसे जो प्राप्त होता है, उसे ही कहा जाता है रेमुनरेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और आप लोग मेरे इस सर्विस के बदले में मुझे क्या दीजिएगा, मेरे इस सर्विस के बदले में मुझे फी दीजिएगा, ये फी मेरे लिए क्या कहलाएगा, ये फी मेरे लिए रेमुनरेशन कहलाएगा। ये फी मेरे लिए क्या कहलाएगा, रेमुनरेशन। क्यों? क्योंकि मैंने आपको सर्विस दिया है। याद रखिएगा बच्चों, रेमुनरेशन में सिर्फ ये नहीं है कि मनी के रूप में जो पे किया जाता है उसे ही शामिल किया जाता है। रेमुनरेशन के अंतर्गत कहा गया है कि अगर हम सर्विस दे रहे हैं और इसके बदले में आप कुछ मुझे परक्यूजिट देते हो, फैसिलिटी के रूप में देते हो। परक्यूजिट का मतलब होता है फैसिलिटी के रूप में प्रोवाइड करना, जैसे कि कार मुझे दे दिया गया कि लीजिए सर ये कार आप आइएगा जाइएगा, ये कार हमारे कोचिंग की तरफ से मुझे दे दिया गया या किसी बच्चे की तरफ से मुझे दे दिया गया। तो ये जो फैसिलिटी के तौर पर मुझे दिया जाता है, या बंगला दे दिया जाता है, घर दे दिया जाता है, तो ये जितने भी फैसिलिटी के तौर पर प्रोवाइड किए जाते हैं ये भी रेमुनरेशन में शामिल किए जाते हैं। तो इसलिए कहा गया कि रेमुनरेशन का मतलब क्या होता है, रेमुनरेशन का मतलब कि जो मनी के रूप में या जो मनी के रूप में या जो फैसिलिटी के रूप में किसी पर्सन को प्रोवाइड किया जाता है, उसके काम के बदले में, उसके सर्विस के बदले में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं रेमुनरेशन। उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेमुनरेशन कहते हैं। बातें क्लियर है बच्चों? तब यहां पर समझिएगा मैनेजेरियल रेमुनरेशन का मतलब क्या होता है, मैनेजेरियल रेमुनरेशन का मतलब क्या होता है। तो यहां पर कहा गया है मैनेजेरियल रेमुनरेशन अगर एक सिंपल सा वर्ड के रूप में देखा जाए तो कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत कहा गया है मैनेजेरियल पर्सनल्स को जो भी आप पे करते हो। मैनेजेरियल पर्सनल का मतलब क्या हुआ, मैनेजेरियल पर्सनल का मतलब क्या हुआ, समझने का काम करेंगे बच्चों। कहता है मैनेजेरियल रेमुनरेशन किसे कहा जाता है, तो कहा गया है कि मैनेजेरियल पर्सनल को जो आप पे करते हो। सिंपल सा लैंग्वेज में कहा गया है मैनेजेरियल पर्सनल को जो आप पे करते हो वही रेमुनरेशन आपका क्या कहलाता है, मैनेजेरियल रेमुनरेशन कहलाता है। मैनेजेरियल पर्सनल को जो आप पे करते हो वही रेमुनरेशन मुझे क्या कहलाता है, मैनेजेरियल रेमुनरेशन कहलाता है। तब यहां पर आपके मन में ये बातें आएंगी, मैनेजेरियल पर्सनल कहा किसे जाता है सर, मैनेजेरियल पर्सनल का मतलब क्या होता है। तो कहा गया है कि कंपनी के अंतर्गत जितने भी डायरेक्टर होते हैं, जितने भी मैनेजर होते हैं, या जितने भी होल टाइम डायरेक्टर होते हैं, जितने भी आपके डायरेक्टर होते हैं,
जितने भी आपके होल टाइम डायरेक्टर होते हैं या जितने भी आपके मैनेजर होते हैं, इन सभी व्यक्ति को, इन सभी पर्सन को हम लोग क्या कहते हैं? मैनेजरियल पर्सनल कहते हैं। इन सभी पर्सन को हम लोग क्या कहते हैं? मैनेजरियल पर्सनल कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? एक अब निचोड़ निकल के निकल रहा है बच्चों कि मैनेजरियल रेमुनरेशन क्या है। तो मैनेजरियल रेमुनरेशन वो रेमुनरेशन है जो कंपनी के डायरेक्टर को, कंपनी के मैनेजर को, कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर को इसके सर्विस के बदले में जो प्रोवाइड किया जाता है, चाहे वो आपके मनी के रूप में हो, चाहे वो आपके फैसिलिटी के रूप में हो, तो ऐसे रेमुनरेशन को हम लोग कहते हैं मैनेजरियल रेमुनरेशन। बातें क्लियर है बच्चों कि मैनेजरियल रेमुनरेशन का मतलब क्या हुआ? कि कंपनी के जितने भी डायरेक्टर है, कंपनी के जितने भी होल टाइम डायरेक्टर है या कंपनी के जितने भी मैनेजर है, जब वो कंपनी में अपने सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो कंपनी के द्वारा उन्हें मनी के रूप में पे करना या फैसिलिटी के रूप में पे करना क्या कहलाता है? मैनेजरियल रेमुनरेशन कहलाता है। चलिए बच्चे इसके डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है? मैनेजरियल रेमुनरेशन का एक सिंपल सा डेफिनेशन, मैनेजरियल रेमुनरेशन इन सिंपल वर्ड में देखिए क्या कहता है। द रेमुनरेशन पेड टू मैनेजरियल पर्सनल, मैनेजरियल पर्सनल को जो हम पे करते हैं वही मेरा कहलाता है मैनेजरियल रेमुनरेशन। मैनेजरियल पर्सनल को जो हम पे करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है? मैनेजरियल रेमुनरेशन कहलाता है। तब यहाँ पर बातें आ गई, सर मैनेजरियल पर्सनल किसे कहा जाता है? मैनेजरियल पर्सनल मींस डायरेक्टर। मैनेजरियल पर्सनल का मतलब क्या हुआ? डायरेक्टर इंक्लूड्स, इंक्लूडिंग डायरेक्टर में क्या क्या इंक्लूडिंग है? डायरेक्टर में इंक्लूडिंग है मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर में इंक्लूडिंग है होल टाइम डायरेक्टर, डायरेक्टर में इंक्लूडिंग है आपके मैनेजर। यानी ये जितने भी व्यक्ति है ये सब कंपनी के क्या कहलाते हैं? मैनेजरियल पर्सनल कहलाते हैं। ये सब कंपनी के क्या कहलाते हैं? मैनेजरियल पर्सनल कहलाते हैं। तब यहां पर आपके मन में आएगा, सर रेमुनरेशन का मतलब क्या होता है? रेमुनरेशन को देखिए, रेमुनरेशन मींस एनी मनी, कोई भी मनी और इट्स इक्विवेलेंट, यानी मनी हो या मनी के इक्विवेलेंट हो, गिवन टू द एनी पर्सन, गिवन टू द एनी पर्सन यानी किसी भी व्यक्ति को, फॉर सर्विस रेंडर्ड बाय हिम, यानी कि जो इस व्यक्ति के द्वारा सर्विस प्रोवाइड किया गया, जो इस व्यक्ति के द्वारा सर्विस दिया गया है, इंक्लूड्स परक्यूजिट, इसमें परक्यूजिट को भी शामिल किया गया। परक्यूजिट का मतलब जो सुविधा के रूप में आपको दिया जाता है, जो सुविधा के रूप में आपको प्रोवाइड किया जाता है, ये परक्यूजिट किसके अंतर्गत कहा गया? इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत कहा गया है कि इस रूप में अगर कोई भी चीज, चाहे वो मनी के रूप में पे कीजिए, मनी के इक्विवेलेंट पे कीजिए या परक्यूजिट के रूप में पे कीजिए, उसकी सर्विस के बदले में उस व्यक्ति का क्या कहलाता हुआ चला जाता है? रेमुनरेशन कहलाता हुआ चला जाता है। क्या कहलाता हुआ चला जाता है? रेमुनरेशन कहलाता हुआ चला जाता है। तब आपके मन में बातें आएगी, सर ये बताइए डायरेक्टर किसे कहते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर किसे कहते हैं, होल टाइम डायरेक्टर किसे कहते हैं और मैनेजर किसे कहते हैं? हाँ बच्चों ध्यान से समझिएगा बच्चों, अगर डायरेक्टर को देखा जाए तो सिंपल में कहा गया है ये वो व्यक्ति होते हैं जो कंपनी के मैनेजमेंट और कंपनी को कंट्रोल करने का काम करते हैं। यानी वैसा कोई भी व्यक्ति जो कंपनी को मैनेज करने का काम करता है या कंपनी को कंट्रोल करने का काम करता है, वैसे प्रत्येक व्यक्ति को क्या कहा जाता है? डायरेक्टर कहा जाता है। जो कंपनी के असिस्ट का ट्रस्टी होता है, जो कंपनी के असिस्ट का क्या होता है? ट्रस्टी होता है। और जो असिस्ट को कंपनी के इंटरेस्ट यानी कंपनी के हित के लिए यूज करता हुआ चला जाता है, और ऐसे व्यक्ति कंपनी की ओर से किए गए अनुबंध के लिए, यानी इनके द्वारा जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा वो कंपनी के ऊपर क्या होते हुए चले जाते हैं? लायबल होते हुए चले जाते हैं। तो वैसे प्रत्येक व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं?
डायरेक्टर कहते हैं। अगर कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत देखा जाए तो एक डायरेक्टर का सिंपल सा मतलब बताया गया कि डायरेक्टर कहाँ किसे जाता है, तो कहा जाता है कि डायरेक्टर मींस डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ कंपनी, यानी बोर्ड ऑफ कंपनी के द्वारा किसी भी व्यक्ति को एजेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना। वैसे व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्टर कहते हैं। कंपनी एक्ट 2013 ने डायरेक्टर के बारे में क्या बोला, कंपनी एक्ट 2013 ने डायरेक्टर के बारे में कहा कि डायरेक्टर मींस अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ कंपनी, यानी बोर्ड ऑफ कंपनी के द्वारा जो भी व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है उसमें से जो भी व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है किस रूप में, डायरेक्टर के रूप में, तो वैसे व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्टर कहते हैं। या दूसरे रूप में देखा जाए इसका मतलब क्या होता है, इट मीन दैट पर्सन शैल बी रिगार्डेड एज ए डायरेक्टर, यानी वो पर्सन किस रूप में रहेगा, डायरेक्टर के रूप में रिगार्ड रहेगा, ओनली इफ ही इज अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर बाय द कंपनी। और जो कंपनी के एजेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया जाएगा वैसे प्रत्येक व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्टर कहते हैं। क्लियर है। अब डायरेक्टर को अगर देखा जाए तो डायरेक्टर दो प्रकार के होते हैं, एक को कहा जाता है होल टाइम डायरेक्टर, एक को कहा जाता है पार्ट टाइम डायरेक्टर। देखो बच्चों नाम ही है होल टाइम डायरेक्टर, यानी ये कंपनी के जो आपके डे टू डे अफेयर्स होते हैं, डे टू डे आपके कंपनी के जितने भी काम होते हैं उन सभी काम की देखरेख करने का काम, यानी पूरी तरीके से वो उस कंपनी में इन्वॉल्व होते हैं, वैसे प्रत्येक पर्सन को हम लोग होल टाइम डायरेक्टर कहते हैं। यानी ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के कार्य के अंतर्गत जुड़े हुए रहते हैं, कंपनी से पूरी तरीके से जुड़े हुए रहते हैं, तो वैसे प्रत्येक व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, होल टाइम डायरेक्टर कहते हैं। पार्ट टाइम डायरेक्टर का मतलब यानी कंपनी के डे टू डे बिजनेस में ये कभी भी शामिल नहीं होते हैं। अगर देखा जाए तो ये सिर्फ कंपनी के प्लानिंग बनाने में क्या करते हैं, मदद करते हुए चले जाते हैं, पॉलिसी बनाने में मदद करते हुए चले जाते हैं, तो वैसे व्यक्ति को हम लोग कौन सा डायरेक्टर कहते हैं, पार्ट टाइम डायरेक्टर कहते हैं। यानी कंपनी के कामों से जब पूरी तरीके से जो व्यक्ति जुड़े हुए रहते हैं उसे हम लोग होल टाइम डायरेक्टर कहते हैं, और कंपनी के कामों से जो पूरी तरीके से जुड़े हुए नहीं रहते हैं, कंपनी के डे टू डे बिजनेस में शामिल नहीं होते हैं, वैसे व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, पार्ट टाइम डायरेक्टर कहते हैं। एक को हम लोग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी होल टाइम डायरेक्टर को हम लोग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी कहते हैं, और पार्ट टाइम डायरेक्टर को हम लोग नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी कहते हैं। तो आगे का पॉइंट देखिए, कहता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के। एक को कहा जाता है होल टाइम डायरेक्टर, एक को क्या कहा जाता है, पार्ट टाइम डायरेक्टर। होल टाइम डायरेक्टर किसे कहते हैं, होल टाइम डायरेक्टर आर दोज डायरेक्टर हु आर इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, यानी जो पूरी तरीके से कंपनी के अंतर्गत क्या है, एम्प्लॉयमेंट में है, रोजगार में है, वो हमारे कौन से व्यक्ति कहलाते हैं, होल टाइम डायरेक्टर कहलाते हैं। और वही देखिए पार्ट टाइम डायरेक्टर के बारे में क्या बोला गया, पार्ट टाइम डायरेक्टर मीन डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या है, डायरेक्टर है, who are not in whole time employment of the company। यहाँ पर कहता है who are not in employment whole time employment in the company, यानी ये कंपनी के पूरी तरीके से employment से जुड़े हुए नहीं होते हैं, they do not participate in the day to day management of the company, ये कंपनी के डे टू डे मैनेजमेंट में कभी शामिल नहीं होते। इसका मतलब डे टू डे मैनेजमेंट में कौन शामिल होता हुआ चला जाता है, होल टाइम डायरेक्टर शामिल होते हुए चले जाते हैं। ये सिर्फ क्या करते हैं, दे आर यूजुअली इन्वॉल्व इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग, ये सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग में क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ये कहलाते हैं हमारे पार्ट टाइम डायरेक्टर, या इसे हम लोग नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी कहते हैं।
अब जो थर्ड पॉइंट आता है उसे कहा जाता है मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर क्या है? सिंपल में मैनेजिंग डायरेक्टर एक डायरेक्टर है। मैनेजिंग डायरेक्टर क्या है? एक डायरेक्टर है। कैसा डायरेक्टर है? कहता है हु इज इंटरेस्टेड सब्सटेंशियल पावर ऑफ द मैनेजमेंट, यानी जिसे विशेष अधिकार सौंपा गया है, जिसे मैनेजमेंट का विशेष अधिकार सौंपा गया है। किसके थ्रू? तो कहता है आर्टिकल्स के थ्रू, एग्रीमेंट के थ्रू, या रिजोल्यूशन ऑफ बोर्ड के द्वारा, या उसके मेंबर के द्वारा। अगर किसी व्यक्ति को सब्सटेंशियल पावर दिया गया, विशेष अधिकार दिया गया, वैसे प्रत्येक व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? मैनेजिंग डायरेक्टर कहते हैं। यानी सिंपल में देखा जाए मैनेजिंग डायरेक्टर क्या है? एक डायरेक्टर है। जिसे क्या दिया गया? किसे, जिसे क्या अधिकार दिया गया? जिसे मैनेजमेंट का अधिकार दिया गया है। किसके थ्रू? आर्टिकल के थ्रू, एग्रीमेंट के थ्रू, या रेजोल्यूशन के थ्रू। उसे अगर मैनेजमेंट करने का विशेष अधिकार दिया गया है, क्या कहलाता है? मैनेजिंग डायरेक्टर कहलाता है। या इसमें क्या शामिल है? इस डायरेक्टर को क्या शामिल है? तो कहता है कि इस डायरेक्टर में आप इसे किसी भी नाम से पुकार सकते हो, या तो इसे प्रेसिडेंट भी कर सकते हो, या इसे आप सीईओ भी कर सकते हो। यानी मैनेजिंग डायरेक्टर को आप जिस नाम से चाहोगे उस नाम से पुकार सकते हो, या तो इसे प्रेसिडेंट कर सकते हो, या तो इसे सीईओ कर सकते हो। तो वैसे प्रत्येक व्यक्ति हमारे कौन से डायरेक्टर कहलाते हैं? वैसे प्रत्येक व्यक्ति को हम लोग मैनेजिंग डायरेक्टर कहते हैं। अब लास्ट आता है मैनेजर क्या है। तो सिंपल में एक बात कहा गया है कि जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है पर्सन, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मैनेजर कहते हैं। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा जो अपॉइंट किया जाता है पर्सन, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मैनेजर कहते हैं। यानी ऐसे मैनेजर को क्या दिया गया है? राइट दिया गया है। किसके द्वारा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। क्या करने के लिए? मैनेजमेंट करने के लिए। यानी कंपनी के मैनेजमेंट करने के लिए जिस व्यक्ति को अधिकार दिया गया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, वो व्यक्ति हमारा क्या कहलाता है? मैनेजर कहलाता है। यानी मैनेजर इज एन इंडिविजुअल हु सब्जेक्ट टू द सुपरिटेंडेंट कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के डायरेक्शन के अनुसार कंट्रोल करता है, सुपरिटेंडेंस करता है, या मैनेजमेंट ऑफ द होल और सबटांसली द होल ऑफ द अफेयर्स ऑफ कंपनी। इसका मतलब ये कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यानी डे टू डे बिजनेस को क्या करता हुआ चला जाता है, वो स्टेटमेंट को मैनेज करने का काम करता है। वैसे प्रत्येक व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? वैसे प्रत्येक व्यक्ति को हम लोग मैनेजर कहते हैं। वैसे प्रत्येक व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? मैनेजर कहते हैं। बातें क्लियर है बच्चों कि डायरेक्टर का मतलब क्या हुआ? डायरेक्टर का सिंपल सा मतलब हुआ कि बोर्ड ऑफ कंपनी के द्वारा जो भी डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है एजेंट डायरेक्टर, डायरेक्टर कहलाता है। डायरेक्टर दो प्रकार के होते हैं, होल्ड टाइम डायरेक्टर और पार्ट टाइम डायरेक्टर। होल्ड टाइम डायरेक्टर जो कंपनी के डे टू डे मैनेजमेंट में पूरी तरीके से क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं, फुल टाइम डायरेक्टर। और कंपनी के मैनेजमेंट के डे टू डे बिजनेस में पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं होता है, पार्ट टाइम डायरेक्टर। होल टाइम डायरेक्टर को हम लोग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी कहते हैं, पार्ट टाइम डायरेक्टर को हम लोग नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी कहते हैं। उसके बाद आते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर। यानी ऐसा कोई भी डायरेक्टर जिसको सब्सटेंशियल पावर मिला हुआ है मैनेजमेंट के थ्रू, चाहे वो एग्रीमेंट के द्वारा मिला हो, या आर्टिकल्स के द्वारा मिला हो, या रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड या मेंबर के द्वारा मिला हो, वैसे व्यक्ति हमारे क्या कहलाते हैं? मैनेजिंग डायरेक्टर। और मैनेजर का मतलब क्या होता है कि ये वो व्यक्ति होता है जो जनरली अपॉइंट किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा इसे एक राइट दिया जाता है। इसे क्या दिया जाता है? राइट दिया जाता है। किस चीज का? कि वो कंपनी के मैनेजमेंट को आगे बढ़ाने का काम करे। तो ये कहलाता है हमारा मैनेजर। क्लियर है बच्चों? तो आज के लिए इतना ही बच्चों। इसके आगे के टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में देखने का काम करेंगे। थैंक यू बच्चों।